नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज में। आज हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षा पढ़ने से पहले हम पहले वाले वीडियो पर चर्चा कर लेते हैं। आज से पहले वाले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म की शाखाओं के बारे में पढ़ा था, तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म को समझने के लिए इस धर्म के सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म व्यवहार, आदर्श और बेहतर मानव जीवन की ओर अग्रसर रहता है। बौद्ध धर्म जिन मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है वो निम्नलिखित है। अब देखिए कौन कौन से हैं, ठीक है? तो बौद्ध धर्म में पांच सिद्धांत महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार से हैं, जैसे प्रतीत्य समुपात, अष्टांगिक मार्ग, चार आर्य सत्य और आपका एक है मध्यम मार्ग। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर प्रतीत्य समुपात के बारे में पढ़ेंगे और आगे के जितने भी जो भी सिद्धांत है वो अपन अगले वीडियोस में देखेंगे। तो प्रतीत्य समुपात, यह सिद्धांत बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं प्रतीत्य समुपात का शाब्दिक अर्थ। तो प्रतीत्य समुपात का अर्थ क्या है? प्रतीत्य अर्थात किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद का किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तो किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति ही क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद के 12 क्रम हैं, जिसे द्वादश निदान भी कहा जाता है। तो कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि द्वादश निदान किसे कहा जाता है। तो जो प्रतीत्य समुत्पाद है, इसके 12 क्रमों को द्वादश निदान कहा जाता है। प्रतीत्य समुपात एवं द्वादश निदान, ये 12 उपचार थे मोक्ष प्राप्ति के। जो कौन कौन से थे वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यह है बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत भी कहलाता है। बौद्ध दर्शन का कारणता कार्य कारण सिद्धांत है प्रतीत्य समुपात। इसके अनुसार जीवन और जगत की प्रत्येक घटना एवं कार्य कारण पर निर्भर रहते हैं, ठीक है? अब देखते हैं अपन यहाँ पर 12 निदान जो प्रतीत्य समुत्पाद में बताया गया मनुष्य को इस जीवन से छुटकारा पाने के लिए, मान लो चाहे मोक्ष प्राप्ति के लिए मान लो, वो कौन कौन से हैं? अविद्या, अज्ञान, कर्म, दुख का मूल कारण, संस्कार, विज्ञान जिसे चेतना या भ्रूण या फिर जन्म भी कहते हैं, नाम रूप जो आत्मा से बनती है, आत्मा बनती है, सदायतन, छह इंद्रियां होती है, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति और जरा। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो में प्रतीत्य समुपात के बारे में पढ़ा और जो बाकी के 3-4 सिद्धांत बौद्ध धर्म में बताए गए हैं वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे।